इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना का दौर थमता नजर आ रहा है। पिछले दो दिनों से काफी कम तादाद पॉजिटिव मरीजों की पाई गई, वहीं तकरीबन 10 लोगों की मौत कोरोना से होने की इत्तला भी हासिल हुई। लिहाजा मंडोली रोड पर ऑक्सीजन सही वक्त न मिलने से दो मरीजों की मौत हो गई है, जिसे गुस्साई भीड़ ने अस्पताल पर पथराव किया। मौत की खबर सुनते ही रिश्तेदारों ने गुस्से में आकर मंडोली रोड पर एक प्राइवेट अस्पताल पर पथराव किया, जिससे शीशों का काफी नुकसान हुआ है। रिश्तेदारों का कहना है कि बेहिसाब बिल लगाया जाता है और मरीज का इलाज भी ठीक से नहीं किया जाता, लिहाजा मौतों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर देव गौड़ा आय का कहना है कि जो निजी अस्पताल के जिम्मेदार है कि जब उसके उसे दाखिल किया गया था, इस मरीज की हालत बेहद खराब थी और बचने के इम्कान बहुत कम थे। इसके बावजूद कोशिश करते रहे, सिटी स्कोर 22 होने की वजह से बचने के इम्कान भी काफी कम होते हैं, लिहाजा मरीज की मौत हो गई। जिन्होंने भी अस्पताल पर पथराव किया है, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी डॉक्टर देवगौड़ा आय ने कहा है। बेलगाम जिला में कोरोना मुतासरीन की तादाद अब तक 4000 के पार हुई है। अभी भी 2000 मरीजों को घर पर ही इलाज किया जा रहा है, जिसमें से तकरीबन 800 से भी ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। घरों में इलाज अस्पतालों से भी बेहतर साबित होते दिखाई दे रहे। खुद सेहत महकमा भी इसे कामयाब तरीका कह रही। जिला बेलगाम में पिछले महीने से ही होम केयर के नाम से घरों में इलाज की तरतीब पर अमल किया गया, जिसमें काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। होम आइसोलेशन मरीज के घर जाकर सेहत आला अफसरान और डॉक्टर चेकअप करते। अक्सर यह कहा जाता है कि अस्पतालों में इलाज ठीक नहीं किया जाता, अब घरों में मरीजों की ठीक होती तादाद देखकर ऐसा लगता है कि क्या अवाम का कहना सही था, क्या ऐसा शक भी अवाम के जहन में आता दिखाई दे रहा। भाजपा के दबाव में आकर औरतों के बालों को पकड़कर घसीटते हुए पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया और एहतजाज को नाकाम करने की कोशिश की, ऐसा इल्जाम खानापुर कांग्रेस पार्टी की जानिब से किया जा रहा है। वाजह रहे कि खानापुर में भाजपा कायद अनंत कुमार हेगड़े दौरे पर थे। इनका इसके पीछे मकसद प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कई सड़कों के इफ्तिताही इजलास को अंजाम देने वाले पर खानापुर कांग्रेस पार्टी की महिला सदर मोहतरमा अनिता दंगल का कहना था कि इसके लिए इलाके की एमएलए मोहतरमा अंजलि निंबाकर ने कोशिश की थी और कई दिनों से कांग्रेस कारकुनान की जानिब से सोशल मीडिया पर इसकी हिमायत भी की जा रही थी। लिहाजा जब इसका मुकम्मल क्रेडिट भाजपा का ही अनंत कुमार हेगड़े हासिल करने का यकीन कांग्रेस लीडरों को हुआ तो इन्होंने खानापुर के चौक में एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाज बंद करने की गुजारिश की, नाम मानने पर एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया। मोहतरमा अनिता दंडगल ने कहा कि एमएलए अंजलि निंबाकर कोरोना पॉजिटिव है और ऐसे वक्त में जानबूझकर इफ्तिताही इजलासों का एहतमाम गलत तो है ही, और एहतजाज करने वालों को जिस तरह घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया, शर्मसार करने वाली वारदात है और यह तमाम भाजपा के कहने पर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनंत कुमार हेगड़े ने कांग्रेस पार्टी को पहले नंबर का दुश्मन कहा। खानापुर के पंडित ओगले, जो हमेशा मखसूस माशरे के खिलाफ जहर आलूद बयान करते रहते हैं, कई फसादों में भी इनका नाम आया हुआ है। खानापुर में हमेशा नफरत का जहर बोने वाले को भाजपा में दाखिला दे दिया गया, जिससे एक बार फिर भाजपा की ज़हनियत का अंदाजा हो गया। खानापुर में अक्सर देखा गया है कि फिरका परस्त सोच और फिक्र की तंजीमें हमेशा पनपती रही हैं। कई दूसरी रियासत के भी समाज विघातक ताकतों को यहां पना दी गई, यानी कि यहां पर स्लीपर सेल मौजूद है। गौर लंकेश कत्ल की तरबियत भी इसी खानापुर के करीब अंजाम दी गई। गोवा से सनातन संस्था के कारकुनान भी यहां आना जाना रहा है। महाराष्ट्र दाभोलकर पानसरे कत्ल का भी खानापुर से वास्ता होने की बात कही जाती है। लिहाजा ऐसे लोगों को सरकारी हिमायत हासिल होना देश की एकता अखंडता को खतरे में डालने के बराबर बराबर है। आवाम का कहना है कि देश की गिरती जीडीपी, महंगाई, बेरोजगारी को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए क्या फिर से देश में हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जाएगा। जो भी हो, खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना होना होगा और वक्त से पहले
शर पसंदों को पकड़ना होगा भले ही वो किसी भी पार्टी से राबता रखते। फिर मराठी तंजीमों के कन्नड़ कारकुनान की गिरफ्तारी की मांग की गई है। कन्नड़ मराठी तनाजा थमता नजर नहीं आ रहा। अब कुछ दिन ठंडे माहौल को एक बार फिर कन्नड़ तंजीमों के अफरादों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ऐसा सवाल सकल मराठा समाज की जानिब से किया गया है। और इन्होंने कहा है कि शिवाजी महाराज के पुतले के सामने गैर कानूनी तौर पर संगोली रायन्ना का पुतला बिठाया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर तौहीन आमोस पोस्ट भी लिखे गए। जब से मनगुत्ती से शिवाजी का पुतला हटाया गया और संगोली रायन्ना का पुतला पिरनवाड़ी में बिठाया गया, तब से शिवाजी महाराज पर तौहीन आमोस पोस्ट लिखे जा रहे हैं। कई बार कानूनी कार्रवाई का भरोसा तो दिलाया गया पर अब तक कुछ नहीं हुआ। लिहाजा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर के त्यागराजन को सकल मराठा समाज के मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाड़े, विकास कलगड़ी, रंजीत चौहान, महेश जोएकर ने अपना मुतालबा पेश किया। इनका कहना है कि जिन्होंने भी तौहीन आमोस पोस्ट लिखे हैं और शिवाजी महाराज का अपमान किया है, इन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। जहां इन पुतलों पर तशद्दुद का माहौल बढ़ने के इम्कान है, वही शहर में और भी पुतलों की मांग कुछ लोग करते दिखाई दे रहे हैं। बेलवडी मल्लम्मा, भगत सिंह और भी दिगर महापुरुषों के पुतले बिठाने की मांग जल्द की जाने वाली है, ऐसा इत्तला भी है। क्या बेलगाम शहर पुतलों का शहर बनेगा? लिहाजा आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। देखते रहिए, खबरों का सिलसिला यूं ही चलते रहेगा। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।